सन 1781 में उत्तर भारत के छपिया गांव में मनुष्य जन्म धारण किया। छपिया और अयोध्या की भूमि को दिव्य बाल चरित्रों से पावन करके वे नीलकंठ वर्णी के रूप में निकल पड़े। अपने मौलिक दर्शन से विश्व के असंख्य जीवों का कल्याण करने हेतु एक कल्याण यात्रा पर अयोध्या से नैमिषारण्य, हरिद्वार, श्रीपुर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीवन आदि से होते हुए वे तिब्बत में मानसरोवर पधारे। वहां से गंगोत्री, वंशीपुर आदि से आगे नेपाल में काली गंडकी नदी के किनारे आरोहण करते हुए मुक्तिनाथ जाकर उन्होंने तपश्चर्या की। मुक्तिनाथ से बुटोल नगर आदि स्थानों से होते हुए गोपाल योगी को आत्यंतिक मुक्ति का मार्ग दिखाकर नीलकंठ वर्णी वहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ चले पोखरा की ओर। नेपाल प्रदेश की वादियों और पहाड़ियों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे पोखरा सरोवर पर। नर्तनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। नर्तनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। पोखरा की सेती गंगा नदी में स्नान कर उसे पावन करके नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले। मध्य में सूर्य रहता है और उस सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। कई नगरों, पहाड़ों और वनों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे धार्मिक स्मारकों के लिए प्रख्यात नगर काठमांडू में। काठमांडू में नीलकंठ वर्णी ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए और वे बागमती नदी के घाट पर भी पधारे। वैभवी नगरी काठमांडू के कई स्थानों पर होते हुए कुछ साधु संतों के समुदाय के साथ नीलकंठ वर्णी वहां के राजा के महल में आ पहुंचे।